के जेवरात लेकर फरार आरोपी को नई मुंबई पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार। मामलावासी सेक्टर से 14 स्थित गहना ज्वेलर्स दुकान से लगभग 1 करोड़ रुपए की जेवरात को लेकर फरार मैनेजर को वासी पुलिस ने राजस्थान के उदयपुर से किया गिरफ्तार, जबकि फरार एक आरोपी की तलाश वासी पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 61 लाख का जेवरात वासी पुलिस ने बरामद किया। जानकारी वासी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल देशमुख ने दिया। नई मुंबई से HNI लाइव की क्राइम रिपोर्ट। वासी पुलिस रेंज के ज्यूरिडिक्शन में सेक्टर 14 यहाँ पे गहना ज्वेलर्स नाम का ज्वेलर्स का दुकान है। वहाँ पे 10 तारीख के रात को और 11 तारीख नवंबर के दरमियान वहाँ पे काम करने वाला जो मैनेजर था, मैनेजर कम सर्वेंट गोपाल सोलंकी उसका नाम है, राजस्थान का रहने वाला है, उसने दुकान खोली नहीं। इसके लिए मालिक को डाउट आया और उसने उसके रिश्तेदार को वहाँ पे भेज के खातरी किया, तो पता चला कि वो नहीं है, उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। इसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, फिर पुलिस और उसके रिश्तेदार जाके वहाँ पे उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला और जब अंदर देखा तो सब ज्वेलर्स के जो बॉक्स थे वो सब खाली हुए पड़े थे और उनका जो लॉकर था वो भी खुला हुआ था। फिर उनके कहने के मुताबिक वासी पुलिस स्टेशन में 1 करोड़ रुपए के गहने चोरी होने का FIR लॉन्च किया था। उसी आधार पर API शुरकर और हमारी DB का स्टाफ तुरंत एक्शन लेते हुए राजस्थान पहुंचे और उन्होंने टेक्निकल तरीके से पूरी जांच पड़ताल की और जो मेन आपूस था गोपाल उसको उसके गांव में अरेस्ट किया। उसके पास से 59,91,500 रुपए के 1 किलो 650 ग्राम के गहने बरामद किए हैं और दूसरा उसका जो साथीदार है उसको अभी पकड़ना बाकी है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं।